You can get the sauce, bitch. सुमित, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज मैं आपको दिखाऊंगा पांच ऐसी थीम जिसमें कि आपको बूट एनिमेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप जैसे तो पांच एनिमेशन बूट एनिमेशन वाला 1, 2, 3, 4, 5 ये जो इसका इनबिल्ड होता है वो वाला है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप जैसे तो ये पांचों के पांचों में आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको मिलेंगे, यानी कि आप जब बूट एनिमेशन को यानी कि यूज़ करोगे तो आपको किस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। तो मेरे पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि आईफोन का लाओ, गूगल पिक्सल का लाओ, वन प्लस का लाओ, कुछ अलग अलग तरीके के बूट एनिमेशन लाओ। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, तो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में इधर आई बटन आ रहा होगा, ऊपर आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। तो इन पांचों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पांचों के पांचों का नाम आप देख सकते हो। इनका नाम मैं आपको मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वरना मैं आपको दिखा दूंगा। इनको आप सर्च कर लेना अपने थीम स्टोर में जाकर इंस्टॉल करना, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर आपका ये आएगा कस्टमाइज में आप जाओगे, तो अगर आपके में बूट एनिमेशन बूट ऑडियो का ऑप्शन आता है तो आप इसको यूज कर पाओगे, आप जाकर यहाँ पर लगा सकते हो। अगर आपके पास रेडमी 5 या रेडमी 6 ए डिवाइस है तो मैंने बताया हुआ कि बूट एनिमेशन को कैसे इनेबल करना है, आपको कस्टम रोम यूज करनी पड़ेगी। ये मेरे पर रेडमी नोट 5 प्रो, इस पे भी मैं कस्टम रोम ही यूज कर रहा हूं, क्योंकि ऑफिस में हमें ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये जो फीचर है ये हमें काफी यूजफुल देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बूट एनिमेशन के बारे में बात करने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को वॉच कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगती तो इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं इसी तरह की और वीडियोस बना पाऊं। तो चलिए यार, बिना वक्त का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दो, जो सारी बूट एनिमेशन मैं बता रहा हूं भाई, ओनली फॉर बूट एनिमेशन बताऊंगा, आप इनको थीम के थीम भी यूज कर सकते, काफी इंटरेस्टिंग थीम भी है। यहां पर मैं आपको थीम अप्लाई करके दिखा सकता हूं, ये वाली थीम के ऊपर मेरी वीडियो भी बनाई हुई है। तो आप देख सकते हो थीम के जो आइकन्स वगैरह ये भी काफी बढ़िया है, लेकिन हम थीम्स के आइकन वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। आप देख सकते हो ये जो थीम है फुल्ली एनिमेटेड होती है, जो काफी बढ़िया देखने में लगती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका यूआई वगैरह देखने को मिलता है। तो इस चीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, आप जाके इनको चेकआउट कर लेना, बस हम करेंगे बूट एनिमेशन की बात। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम चले जाते हैं यहाँ पर कस्टमाइज में, कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पर बूट एनिमेशन, तो बूट एनिमेशन ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम भाई आईफोन का लगाएंगे, तो आईफोन का लगाने के लिए ये वाली आपको थीम यहाँ पर सर्च करनी होगी, रियल iOS 13, ये आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। बूट एनिमेशन जैसे जाओगे आपको ये मिलेगा, हमें सिंपली अप्लाई करना है। अब आप देख सकते हो तो ये अप्लाई हो चुका है, अब मैं इसको कर देता हूँ रिव्यू। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी दिखा सकता हूँ, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो आप देख सकते हो जो बूट एनिमेशन पूरा चेंज हो चुका है, यहाँ पर भी बूट एनिमेशन चेंज हुआ, कुछ में दोनों तरफ हो जाता है, जब आप रिबूट करोगे तब भी चेंज हो जाता है और कुछ में बाद में भी चेंज हो जाता है। तो अब आप देखना, अब आपको iOS का बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। तो बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, एमआई का लोगो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाई एमआई का लोगो। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका iOS यानी कि आईफोन का लोगो देखने को मिल रहा है। तो आप जरूर से बताना कि आपको ये जो iOS का लोगो किस तरह लगा, वीडियो अच्छी लग रही थी, या वीडियो को एक लाइक करना था, क्योंकि आपका एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो ये पहला था बूट एनिमेशन, जरूर आपको पसंद आया होगा। तो अब जो सारी जितने भी बूट एनिमेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और बूट एनिमेशन। तो अब हम चलते हैं फिर दोबारा थीम्स में, थीम्स में जाने के बाद यहाँ पर हम चले जाते हैं कस्टमाइज में, कस्टमाइज में जाने के बाद तो हमारा भाई जो भाई बूट एनिमेशन है ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला फिक्स iOS ब्लैक स्टाइल V2। तो अब आप देख पाओगे इसको भी मैंने अप्लाई कर दिया, अब यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे मैं रिव्यू करूंगा ये वाला जो बूट एनिमेशन है ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा था, क्योंकि यार इसमें ना एक तरह से जैसे कि हमारा फोन, आपको पता होगा जब हमारे डिवाइस में MIUI 11 या MIUI 10 आया था, तो जिस तरह से हमारा फोन का अपडेट होता उस तरह से ही दिखाता, तो कोई भी लोग आपके डिवाइस को iOS ही मानेंगे यानी कि आईफोन ही मानेंगे। तो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं ये MI का लोगो आ रहा है, MI का लोगो जैसे हटेगा उसके बाद iOS आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपका जो डिवाइस है चालू होगा, तो देख सकते हो कितना अच्छा देखने में लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम लगता है यार, कोई भी आपके डिवाइस को पहचान नहीं पाएगा। अगर आप इसकी थीम को अप्लाई कर लेते हो यानी कि थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर लेते हो iOS में, तो पूरा के पूरा iOS हो जाता है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपका चालू हो जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। तो ये दूसरा थीम था, आई होप आपको यार ये भी पसंद आया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, तो तीसरा जो भाई थोड़ा कस्टमाइज है, इसको हम डाटा को ऑफ कर देते हैं जिससे कि यार हमारा थोड़ा फोन लैग हो रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा जो भाई यहाँ पर लिखा ये यहाँ पर यूनिक V11 जो थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, ये उसी का थीम है, इसको भी हम अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर रिव्यू पर टैप कर देते हैं,
ये वाला जो थीम है भाई ये MI वाला है, ये भी काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। तो इसको मैं भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह आपको देखने में लगेगा। इसमें भी MI का लोगो आता है, बट इसमें देख सकते हो यहाँ पर दो लोगो आपको देखने को मिलेंगे। पहला ये वाला लोगो आपको देखने मिलेगा, उसके बाद जो दूसरा लोगो देखने मिलेगा वो काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है और यूनिक देखने में लगता है। तो अभी आप देखना, बस आपको थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद आपको बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बूट एनिमेशन कुछ इस तरह से MI आ चुका है। नीचे आपको यहाँ फ्यूचर लाइन लिखा आपको देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये एनिमेशन देखने को मिला है। तो आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारी बूट एनिमेशन और भी दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ यार उसके लिए प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर बूट एनिमेशन अच्छे लग रहे तो प्लीज़ जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं और भी बूट एनिमेशन की वीडियो लाऊं। तो यार आप देख सकते हो, और हम बात करें और कि अभी मैंने आपको तीन दिखा दिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक पिक्सल का एक है वन प्लस एक्सपीरियंस। तो भाई ये मैंने ट्राई नहीं किया वन प्लस एक्सपीरियंस कैसा है, तो अभी इसको हम अप्लाई कर लेते, अप्लाई हो चुका है। अब सिंपली हम इसको रिव्यूट करेंगे, रिव्यूट करने के बाद अब आप देख पाओगे कि आपको एक अदर ये एनिमेशन देखने को मिलेगा। ये एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये यूनिक V11 वाला का है। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तभी आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग थीम में अलग अलग एनिमेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा MI लोगो आ रहा है, इसके बाद हमारा जो बूट एनिमेशन है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इसमें ये गूगल का आया हुआ है इसमें, ये भी काफ़ी बढ़िया बात है यार, इसमें भी गूगल का देखने को मिला है। और जो वन प्लस की रोम है उसमें भी आपको गूगल का ही देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। मेरे पास बहुत सारी ऐसी रोम है जिसमें कि बूट एनिमेशन देखने को मिलता है। तो यार वीडियो के लिए वेट करना, मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो ये आप देख सकते हो एंड्रॉयड लिखा हुआ आया था, जो मैं सोचा गूगल का होगा बट एंड्रॉयड का था। तो गूगल एंड्रॉयड यार दोनों कंपनी तो एक ही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की जो है भाई पिक्सल एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पर हम पिक्सल एक्सपीरियंस वाला भी दिखा देते हैं, लास्ट एंड फाइनल वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह है पिक्सल एक्सपीरियंस, सॉरी मैंने इससे पहले जो था इसका नाम नहीं दिखाया था, यह है वन प्लस एक्सपीरियंस, इसको डाउनलोड कर लेना। और ये आप देख सकते हो यह है पिक्सल एक्सपीरियंस ड्यूल, ठीक है। तो अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। अब यहां पर आप देख पाओगे इसमें भी दो कल यहां पर आते हैं, एक है ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहां पर ये ब्लैक वाला भी मैंने डाला हुआ है, यानी कि डार्क में ये होगा जब आपका डिवाइस चालू होगा तो आपकी जो बैटरी है वो ज्यादा ड्रेन नहीं करेगा। अगर आप व्हाइट लगा लेते हो तो काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा जितने भी डार्क हो आप उन्हीं को यूज करना, इसलिए मैंने iOS का दो वर्जन दिखाया था, एक है ब्लैक एंड एक व्हाइट। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो लगा सकते हो, शो ऑफ कर सकते हो अपने फ्रेंड के सामने में। तो आप मेरे को जरूर से बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल का एनिमेशन आ चुका है, तो आप मेरे को जरूर से बताना ये आपको किस टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल का एनिमेशन कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा, और ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये लोडिंग वगैरह भी हो रहा है, जो कि यार काफ़ी यूनिक देखने में लगता है यार। यहाँ पर आप देख सकते एनिमेशन थे जो कि मैंने आपको दिखा दिया। तो ये आई होप आपको ये पांचों के पांच एनिमेशन अच्छे लगेंगे। बाकी मैं आपको एक बार थीम भी चेक करा देता हूँ, बाकी आप थीम देख लेना। ये देख सकते पिक्सल ड्यूल वाला आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, यहाँ पर वन प्लस एक्सपीरियंस को इस तरह देखने को मिलेगा, यूनिक V11 कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, ISO यहाँ पर ISO के देख सकते हैं, यहाँ फिक्स ISO ब्लैक स्टाइल कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते रियल OX13 कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। कोई भी थीम अप्लाई कर लो भाई, थीम बुरी नहीं है, बस मैंने इस वीडियो में बूट एनिमेशन को कवर किया है, ना कि कोई थीम्स की। तो थीम्स की वीडियो आपको बहुत ही जल्द देखने मिलेगी, थीम्स वगैरह भी अच्छा। यहां पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा ISO ही बन जाता है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको यहां पर ये देखने को मिलता है, ये भी काफी बढ़िया है। तो थीम्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। यहां पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड जो ब्लर हो जाता है यार, ये काफी बढ़िया देखने में लगता है। तो आप मेरे को बताना ये वाली जो भाई थीम है और इसका जो बूट एनिमेशन, आपको पता होगा बूट एनिमेशन। अब आप देख सकते हो मैंने पूरा थीम को अप्लाई किया, तो पूरा थीम जब अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक जो बूट एनिमेशन वो आपका अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा बूट एनिमेशन है वो ये वाला लग चुका है। तो ये था भाई इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, इसी तरह और वीडियो अच्छी तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से और एक वीडियो को लाइक करने से मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।